चार पांच बादाम आप ले लीजिए थोड़ी सी मुनक्का लेती हूँ तीन चार तो ये सब चीज़ें लेने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती और अगर आपको उसके बाद भी भूख लगती है तो जो मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट रहता है जैसे कभी पोहा बन जाता है कभी उत पा गुड मॉर्निंग और मेरी गुड मॉर्निंग ना हमेशा स्टेयर्स पे ही होती है और मैंने आज ना आलू पराठा बना दिया है वैदिक के लिए और थोड़ा पोहा बनाया है अब मैं जा रही हूँ वैदिक को स्कूल से लेने के लिए और कल रात को ना मेरे बाल धोए अब जाके सूख गए हैं क्योंकि इस सुबह तो धो नहीं सकती थी आज गुरुवार है इस वजह से तो बस अब मैं जाती हूँ उसको लेने के लिए आज कल ना मैंने जैसे रूटीन ना अपना पूरा चेंज कर दिया है जो कि मैं पहले करती थी जैसे मेरा ब्रेकफास्ट ले लिया शॉर्ट और ब्रेकफास्ट में ड्राई फ्रूट्स होते हैं अंजीर भीगी हुई दो अंजीर और एक खजूर जो कि डेट्स होते हैं और उसके अलावा आप तीन चार काजू ले सकते हो चार मैं बादाम लेती हूँ बाकी आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ चार पाँच बादाम आप ले लीजिए थोड़ी सी मुनक्का लेती हूँ तीन चार तो ये सब चीज़ें लेने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती और अगर आपको उसके बाद भी भूख लगती है तो जो मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट रहता है जैसे कभी पोहा बन जाता है कभी उत्तपम या उत्तपम या फिर चीला मूंग दाल का या फिर आ, मैं उसके साथ में ना थोड़ा सा ये भी लेती हूँ मिक्स सीड्स जो होते हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था बहुत बार वीडियो में बताती हूँ तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना इनमें मल्टीविटाम्स काफ़ी अच्छे अमाउंट में, में है और जो मल्टी सीड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं ढाई सौ रुपये के अंडर आपको बहुत बड़ा पैकेट मिल जाता है तो आप पूरी सर्दियाँ सिर्फ दो ही पैकेट खा पाओगे तो आप ध्यान रखिए और उसको एक से दो चम्मच ही आपको लेना है इससे ज़्यादा नहीं लेना है तो इनमें बहुत सारे ना अमीनो एसिड्स होते हैं ओमेगा एसिड जो है तो ये सब चीज़ें आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है तो ये सब मैं लेती हूँ और इसके अलावा मैं जैसे गाजर का जूस अभी जाते हुए पी लूंगी यहाँ से जब निकलूंगी तब और ये मैं गाजर का जूस लेती हूँ ना वो मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है जैसे आठ बजे नौ बजे के अंडर और उसके बाद में ग्यारह बजे मैं जूस लूंगी तो ये एक क्या है रूटीन है पूरा ये डाइट कोई भी फॉलो कर सकता है जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठती हूँ एक चम्मच घी खाती हूं मुझे बहुत लोग बोलते हैं आप स्किन पे क्या लगाते हो मैं स्किन पे नहीं लगाती हूँ मैं अपने बॉडी के अंदर डालती हूँ जो भी मुझे डालना होता है तो मैं बाहर से ऊपर से अपने आप को कवर नहीं करती हूँ मैं अंदर से अपनी टेक केयर करती हूँ तो अगर आप ये चीज़ें खाते हो घी खाते हो ना सुबह सुबह तो आपकी स्किन पे ग्लो अपने आप आता है क्योंकि आपका पेट साफ है ना तो आपकी स्किन वही है जो आप अंदर से हो अगर आप अंदर से सही हो साफ है आपकी बॉडी तो आप अंदर से ऊपर से पूरा रिफ्लेक्ट करोगे ऊपर से अपने आप आपके फेस पर चमक आएगी और अगर आपका बॉडी अंदर से खराब हो रहा है कोई भी तरीके के जैसे मैं ऋषिकेश गई हूँ ऋषिकेश से आने के बाद में मतलब आपने देखा होगा दिवाली से लेकर के ऋषिकेश जाने तक हमारा जो खाने पीने का रूटीन था जो जो भी हम लोग घर का खा रहे थे फिर भी आ, मतलब क्विक मील्स खाने से टाइम सेट नहीं होने से मुझे मतलब एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है तो जब भी मैं अपने सिस्टम को ख़राब करती हूँ मुझे एक्ने हो गया तो ये अभी इसको मैं मतलब वापस से अपनी बॉडी को डिटॉक्स पे चला रही हूँ तो ये डिटॉक्स चल रहा है मेरा फोर्थ डे आज इस तरीके से ये रूटीन फॉलो करते हुए जूस तो मैं बहुत पहले से पी रू अभी तक मैंने रोटी नहीं खाई है थोड़ा सा पोहा खाया था सुबह अब जाके मैं रोटी खाऊंगी जब मैं आ जाऊंगी एक बजे दो रोटी लूंगी आप रोटी में क्या ले सकते हो गेहूं को बहुत ज्यादा अवॉइड करना है आप ले सकते हो मल्टीग्रेन में जैसे कि आप चना ले सकते हो थोड़ा सा गेहूं के साथ मिक्स करके जौ डाल सकते हो उसके अंदर तो एक कॉम्बिनेशंस है कुछ कुछ आ, सब लोग सब चीजें एक साथ मिक्स करके कभी भी मल्टीग्रेन नहीं खाना चाहिए Uh, कुछ कॉम्बिनेशनस होते हैं जैसे चना और गेहूं का कॉम्बिनेशन है आप उसके साथ में जौ भी मिक्स करके खा सकते हो आप बाजरा रागी इनको मिक्स करके खा सकते हो तो ये इस तरीके के कॉम्बिनेशन बना के मैं अपनी रोटी लेती हूँ तो दो रोटी खाई जाती है कभी बहुत भूख लगती है तो तीन भी खा लेती हूँ खाना जो है ना वो मैं पेट भर के खाती हूँ ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर तीन रोटी की भूख है तो दो रोटी में ही मैं बस बैठ जाऊँगी कि नहीं इससे ज़्यादा मैं मोटी हो जाऊँगी तो वो वाली चीज़ मैं नहीं करती हूँ पूरा भर पेट खाना खाती हूँ और थोड़ा सा ना उसमें सलाद लेती हूँ मैं बहुत ज्यादा सलाद खाने का शौकीन नहीं हूँ मुझे अच्छा लगता है पर मैं इतना ज्यादा भी नहीं खाती कि ओवर नहीं करती कि लोग प्लेट भर भर के सलाद खाते हैं ना वो हार्मफुल होता है आपके लिए आपके लिए पेट भर के खाया हुआ सलाद बहुत ज्यादा इंडाइजेशन क्रिएट कर सकता है आपको गैस हो सकती है ब्लोटिंग हो सकती है तो आप ट्राई करो बहुत ज्यादा आप सलाद खाने से बचो आप थोड़ा अमाउंट ले लो जैसे एक मूली आपने घिस के रख ली या एक गाजर खा ली हम लोग ऐसे ही करते थे बचपन से एक मूली साथ रखते थे उसको काटते थे और रोटी खा लेते थे और छाछ ले लो आप खाने के बाद में तो ये सारा मेरा रूटीन है उसके बाद में मैं थोड़ा सा तीन चार बजे के आसपास जब मुझे थोड़ी सी भूख लगती है बहुत थोड़ी लगती है बहुत ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि जब आप इस तरीके का खाना खाना शुरू करते हो ना तो आपकी जो ये बार बार खाना खाने की कुछ चटपटा खाने की ये जो टेम्पटेशंस होती है ना एक कम हो जाती है जब आप हेल्दी फूड खाते हो तब तो ये चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ फिर तीन चार बजे अगर मुझे भूख लगती है तो कभी नट्स खा लेती हूँ कुछ थोड़े से या फिर मैं आ, मतलब ये खाती हूँ फ्रूट ले लेती हूँ कुछ एक मुझसे तो फ्रूट भी रेगुलर बेसिस पे नहीं खाया जाता मतलब आ, डेली जैसे अब सर्दियाँ आ गई ना मुझे हमेशा क्योंकि मेरी शरीर जो है वो प्रकृति है तो मेरे को बहुत ठंड लगती है और ठंडी चीज़ों से मैं अवॉइड करती हूँ अपने आप को इवन दही भी मैं बहुत सोच सोच के खाती हूँ जबकि दही बहुत अच्छा होता है पर ठंडा है ना तो गर्म गर्म या तो पराठा हो और फिर मैं उसको ठंडा करके दही के साथ मिक्स करके खाती हूँ लेकिन मैं अकेला दही नहीं खा सकती मतलब मुझे बहुत ठंड लगने लग जाता है और मैं जैसे धूप है तो धूप के टाइम पे मैं खाना खाती हूं जब धूप निकल जाती है एक डेढ़ बजे के आसपास उस टाइम पे आपकी भूख जो है एक्चुअल में आपको लगती है सर्दियों के टाइम पे फिर उसके बाद में थोड़ा सा अगर मन करता है तो चाय ले लेती हूँ और जो टी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी डाइजेस्टिव टी वो मैं लेती हूँ और उसके बाद में बस डिनर हो जाता है हमारा और डिनर में मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ कल मैंने डिनर में ओवर ईटिंग की थी तो मेरे साथ में एक चीज और है जब भी मैं एक्स्ट्रा खा लेती हूँ ना मेरे को वॉमिट हो जाता है उसके बाद में तो मेरे को कल ना वॉमिटिंग हो गई थी और जो भी मैंने खाया है ना मतलब वो निकल जाएगा सारा का सारा वॉमिट हो जाएगी मुझे तो मैं एक्स्ट्रा रोटी नहीं खा सकती एक्स्ट्रा जैसे बहुत लोग करते न, आ, करते है ना ओवर ईटिंग करते हैं तो ओवर ईटिंग करते ही मुझे वॉमिट होती है और वॉमिट हो गई फिर उसके बाद में मैंने थोड़ी देर बाद दूध लिया क्योंकि वॉमिट खुद से नहीं हुई थी मुझे करनी पड़ी जब आपको खुद से वॉमिट हो रही है तब आपको दूध नहीं पीना चाहिए लेकिन मैंने खुद से की थी बिकॉज मुझे ना वो ऊपर तक खाना आ रहा था भी आपने देखा होगा ना आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वो मतलब आपको लग रहा है कि बस अब नींद भी नहीं आएगी उसके ऊपर कुछ भी नहीं खाया जाएगा तो मुझे दूध लेना होता है हल्दी के साथ में तो दूध में लेती हूँ आधा कप एक ग्लास का मतलब आधा ग्लास लेती हूँ बस इससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ अगर ओवर ईटिंग की है या फिर थोड़ा आपने खाना क्लोज जैसे आपने साढ़े आठ बजे तक खाना खाया है और नौ बजे आपको दूध लेना है बिल्कुल नहीं लेती हूँ तो इस तरीके से मेरा ये रूटीन सेट है आई होप अगर आप लोगों को और क्वेरीज़ है कोई भी डाइट चार्ट से लेके क्वेरीज़ हैं कि और क्या क्या खाना चाहिए हम लोगों को तो ये एक कम्प्लीट डाइट चार्ट है कोई भी इसको फॉलो कर सकता है इसके अलावा और कोई डाइट चार्ट नहीं होता किसी के लिए भी तो ये आप किसी भी कंडीशन में फॉलो कर सकते हो चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रूट्स चॉइस आपकी हो सकती है ब्रेकफास्ट आपका अपने चॉइस का हो सकता है डिनर वगैरह जो भी आप अपनी चॉइस का बनाना चाहते हो ये एक फॉर्मेट है जो कि डिज़ाइन है हमारे इंडियन हैबिट्स के ऊपर तो आप लोग इस तरीके के डाइट चार्ट को फॉलो करो और फॉलो करने के बाद मुझे बताओ कैसा आपको फ़ील होता है इस डाइट चार्ट को इस डाइट चार्ट को अगर आप फॉलो करते हो ना तो आपको मोटापा भी नहीं होगा आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम इशू नहीं होंगे तो अब मैं जा रही हूँ वैदिक को स्कूल से लेने के लिए उसके बाद मैं वहाँ से मैं जूस पीते हुए जाऊँगी और जब वैदिक आ जाएगा तो वैदिक के लिए मैं क्या थोड़े से नट्स लेके जाती हूँ जब भी मैं जाती हूँ तो आज मैंने उसको टिफ़िन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिए थे तो मैंने नहीं लिए बिकॉज ज़्यादा नट्स खाने से भी आपको वॉमिट हो जाती है या आपका पेट ख़राब हो जाता है भूख नहीं लगती तो ट्राई करो थोड़ी कम क्वान्टिटी में क्वान्टिटी कम कर लो बहुत ज़्यादा नहीं खाओ तो मैं पहले उसको लेके आ जाती हूँ नहीं तो बहुत देर हो जाएगी स्कूल से लेने जा रही थी और ना ये गद्दे वाले भैया आ गए तो मेरे को गद्दे पहले रखवाने पड़ेंगे नहीं तो इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कैसे कहाँ रखना है आदे। 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 इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना दो गद्दे थे वो चढ़ाने वाले भैया थे नहीं उनके साथ में और ना मुझे ही चढ़ा चढ़ाने पड़े उनके साथ में लग के पूरी बैंड बजा दिया आज तो उन्होंने मेरे को दो ग्लास जूस पीना पड़ेगा तब एनर्जी आएगी इतना हैवी था मतलब वो पतला वाला गद्दा तो फिर भी लिफ्ट में मैं लेके चली गई लेकिन जो मेरा वाला गद्दा था ना वो बहुत मोटा था और वो बहुत हैवी था तो सेकंड फ्लोर तक उसको लेके जाना ना और चढ़ भी नहीं रहा था मतलब लिफ्ट में भी उसमें स्टेयर से भी फंस रहा था इतना बड़ा था वो क्योंकि मेरा जो बेड है वो थोड़ा सा लार्ज है छः इंच से भी थोड़ा लार्ज है सेवन इंच एट इंच के बराबर है मतलब आठ आठ इंच के बेड है मेरे तो फिर इस वजह से ना लिफ्ट में भी नहीं आ रहा था तो मैं इतना थक गई हूं अब जाके जा फटाफट से वैदिक को लाती हूँ नहीं तो लेट हो जाऊंगी ऑलरेडी साढ़े ग्यारह हो चुके हैं वैदिक को थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ बाद में ले रही हूँ गर्म पानी वैदिक को देखो इसको मैंने आज ना शॉल गिफ्ट की थी सुबह और मैंने इसको यही बोल दिया था कि चलो तुझे मैं गिफ्ट दे देती हूँ ये शॉल तब से ये शॉल को लेके बैठा हुआ है और कह रहा है मम्मा ये मेरा गिफ्ट है अब मैं वैदिक को थोड़ा सा पढ़ा रही थी इनकी ना वैसे तो हिंदी राइटिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन मैंने इसको स्टार्ट करवा दिया है और इसने काफ़ी अच्छा लिखा है मैं आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छा लिखा है इसने मतलब इसका स्टार्टिंग है पर स्टार्टिंग में भी इसने बहुत अच्छी की है ये देखिए कितना अच्छा इसने लिखा है वह ने ना कोक गो इसने अपने आप लिखा है ये सिर्फ मैंने डॉट्स डाल के दिए थे इसको क्योंकि अभी इसको ना प्रॉपर लिखना नहीं आता है तो डॉट्स जहाँ पर आप डाल दोगे उसी लाइन से स्टार्ट कर देता है लिखना बाकी यहाँ नीचे डॉट्स नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है अब मुझे हरहर की दाल और आज मैंने ना कढ़ाई में बनाई है पूरी दाल बहुत दिन से कुकर का खा रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा तो मैं एकदम नॉर्मल तरीके से बनाई है इसमें दाल उबाल दी है मसाले डाल दिए हैं नमक हल्दी मिर्च धनिया और इसके अंदर मैंने टमाटर भी घिस के डाल दिया है अदरक डाल दिया अब सिर्फ लहसुन प्याज का तड़का लगा रही हूँ मेरी दाल इसमें से निकाल लूँगी उसमें सिर्फ घी का हींग का और जीरे का तड़का लगा दूँगी तो ये मैंने इन सभी के तड़के का सामान निकाल लिया है और मेरे वाले में सिर्फ हल्की सी मिर्च घी और हींग का तड़का मैं लगाऊंगी और राइस बन रहे हैं मामा जी और मतलब हम सब लोग सब डिनर इकट्ठे ही करेंगे तो ये सब बन रहा है अभी